लेकिन ऐसा अगर था उनका मेरे चैनल पे जहाँ है इनोवेटिव की भरमार। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं शॉपिंग 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 और क्या लेने वाले हैं ये आपको वहाँ जाके बताते हैं। तो दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो हम काफी दिनों के बाद काफी दिनों के बाद हम मार्केट निकले हैं क्योंकि मेरी बेटी के एग्जाम चल रहे थे। तो हमने मतलब हम भी नहीं जाते क्योंकि फिर अकेले उसको छोड़ के जाना सही नहीं लगता। तो बस हम बिजी थे कि चलो उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो अभी एक एग्जाम बाकी है। बट ये है कि गैप बहुत ज्यादा दिनों का है तो हम अभी मार्केट बस जा रहे हैं। और जा किस लिए रहे हैं वो हम मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ हम वो चीज़ कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं बताना भी नहीं चाह रही हूँ। तो हम ड्रेसेस की शॉपिंग करने जा रहे हैं और जो भी मिल जाएगा यार, कुछ ना कुछ तो ज़रूरत लगी रहती है कुछ ना कुछ। और समर्स आ गए यार, गर्मी मतलब अभी होली भी नहीं शुरू हुई है और गर्मी इतनी लग रही है। मतलब आज तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, तो आज तो कुछ बस बाल धोए हैं, लग रहा है कि बस रास्ते में ही सूख जाएंगे। अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल लेते हैं। तो पेट्रोल लेते हैं 2000 का पेट्रोल। पता है जलंधर में ना घर बड़े सुंदर सुंदर दिखते हैं, मतलब कोठियां ही बोलते हैं यहाँ पर, बड़े आलीशान से बना रखे होते हैं इन लोगों ने, भले उसमें रहे ना कोई रहे वो बात अलग है। तो यहाँ के घर थोड़े डिफरेंट रहते हैं। ये देखो काफी पुराना घर दिख रहा है मुझे, ये वाला भी शानदार है, पूरा तो दिख भी नहीं रहा है बट देखो आप मस्त रहते हैं। ये मॉल है जिसमें कोई नहीं जाता है, ये देखो हमारी सीट के पीछे का डिजाइन अगर आपको देखना है, ये बनाया गया है अपने ही हाथों से नोच नोच के इस तरीके से। मुझे पता है इसमें वैसे भी मेरा भी कुछ ना कुछ हाथ है, इस तरीके से कुछ डिजाइन है जो कि पहले ऐसा था। तो ये है चुनमुन, छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। भाई ये देखो ये किस चीज का पेड़ है, ये ऐसा बड़ा सा, क्या यार ये स्प्रिंग सीजन फूल खिलते तो कितना ज्यादा सुंदर दिखता ना। वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल नहीं दिखाई देते बट ये ऐसे बहुत सुंदर, बीच में मतलब एक सर्कल है जहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स हैं और एक बंदा बहुत ही आराम से इन फूलों का आनंद लेके सो रहा है। यहाँ पे कुछ चाय के स्टॉल हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग अच्छी लग रही है। हाँ यार शोरूम्स तो हैं, यहाँ पे शोरूम्स हैं वैसे बहुत सारे। तो पर्सनली दोस्तों मुझे ना मॉल में शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आता, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। मे बी शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पे हर चीज़ देखो तो 2000-4000 मतलब ऐसे रहता है। तो आप सोचते हो कि यार ये 2000 की ड्रेस या कोई भी चीज आप ले रहे हो तो वो कितने बार पहनोगे आप, दो बार पहन ली, चार बार पहन ली, उससे ज्यादा तो नहीं। हाँ जीन्स वगैरह ठीक है, अगर आपने थोड़ी कॉस्टली ली है तो फिटिंग वगैरह उसकी सही रहती है, वो आप नॉर्मल ना लो तो ठीक है। बट स्ट्रीट शॉपिंग में क्या होता है, थोड़े सस्ते मिलते हैं तो आपका माइंड होता है ओहो यार ये तो मुझे 200 की मिल गई, तो मुझे 400 की मिल गई, तो आपको अंदर से इतनी खुशी होती है यार मैंने इतने में परचेजिंग कर ली। वैसे इतना सस्ता भी नहीं होता है आजकल, बट यस जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे तो बहुत सारी शॉप्स भी हैं जहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, मतलब मार्केट में अभी हमने एंटर किया, पार्किंग मिल ही रही थी, बहुत देर से हम खोज रहे थे तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और बहुत दूर से हम लोग चल चल के आए। और उसके बाद अब पहुँच चुके हैं मार्केट, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, मतलब मैं सोच रही हूँ अभी अगर ये है तो फिर बाद में क्या होगा। तो मार्केट शुरू हो चुकी है और हम भी शुरू हो चुके हैं, देखना इधर आइए। दिखाओ और दूसरा कलर दिखाओ, ये पिंक वाला, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना उससे। ये वाला लेते हैं बस एक ही, ये वाला देखो ना दिखाओ, ये वाला कलर स्ट्रेचेबल तो है ये थोड़ा सा, बट कलर देखना उसमें कोई और मेरे को इसमें
गर्मी के लिए है ये 1200 का देखो अच्छा लग रहा है ना पूरा ना वो अच्छा लग रहा है सच का ना वो अच्छा हाँ कलर कॉम्बिनेशन सही है उसकी लुक देखो चलो ये आपने हाई वेस्ट टाइप पहनी है कि वैसी है हाई वेस्ट टाइप पहनी है बाकी नीचे तक ना वो अच्छा लग रहा है ये पेयर अच्छा है पहले इसको वो फाइनल कर दो फिर तब तक दूसरा देखो देखो बाद में चेंज कर लेना फिर चेंज करो फिर डालोगे हां एक तो ना भाई ये बहुत अच्छी ब्लैक ड्रेस मिली है क्यूट ड्रेस है बहुत सुंदर हम ऊपर से कुछ और ले लेंगे जो आप पहन सकते हो पहन के देखो अच्छा दिख रहा है ये वाला और ये देखो ना भाई ये ना कॉर्सेट से एक ये कलर है देखिए कलर है इसको ना ऐसे खोल के ओके अपने हिसाब से रोड बना लो जितनी आपको चाहिए आगे आएगी सीधी ठीक है पहनना है तो पहन के देखो ये भी ड्रेस ही है ये भी तो कहना भाई एक ही दिन पहन सकते थे मैं एक बार से और पार्टी वेयर है पार्टी वेयर है ना बिल्कुल पार्टी वेयर है ऑफिस बस वो उसकी शाइनिंग थोड़ी अलग आ रही है ना नवे ने जो पकड़ा है सही है वो बट तू ट्राई करना एक बार ब्लैक वाला देखना बेटा अब इसको पहले ब्लैक ड्रेसेस बहुत हो गई पता है मैं भी पर मुझे पसंद नहीं ये वाली है ऐसे में एक ये वाला ट्राई करो ये दोनों बहुत अच्छे दिख रहे हैं ब्लैक में भी है इसमें और एक ये वाला कलर कलर है कि ये देखो ये वाला कलर अच्छा दिखता है ये नहीं अच्छा दिखेगा पिंक कलर ट्राई करो और सुन इसके लिए बाद में जाऊं हाँ हाँ तो हम यहाँ पे नीचे छोटे छोटे ड्रेस थे ना वो ले लेंगे इसमें से ऐड ऑन करेंगे उसके साथ देखो उसको ऐड कितनी है ड्रेस पे बहुत सुंदर है ग्रीन है ब्लू है ग्रीन और ब्लू बहुत अच्छी दिख रही है ये वाला कलर है वन शोल्डर ड्रेस ये भी बहुत सुंदर है हाँ उसी पाओ तो इस पर ऐड ट्राई करो वो मैंने दे दे ऐसा भी होगा ना इसमें कलर होगा ना कोई हाँ इसमें व्हाइट कलर है नवे ऐसे में व्हाइट कलर ले लेंगे ना तो तू आराम से उसको पहन सकती है ये उसमें पड़े सारा ये ऐसे वाली चीजें सब उसमें है मेरे को समझ नहीं आता ये ड्रेस इतनी छोटी क्यों होती जा रही भाई इसको पहनने के लिए 10 बार सोचना पड़े इंसान को लेकिन ये वाला अच्छा लग रहा था शर्ट अभी क्या हुआ कैसे लगा अरे इसके साथ मैंने निकाला था ये निकाला था पहनने के लिए ये भी निकाला था पहनने के लिए क्यूट दिख रहा है बहुत अच्छी अच्छी है ये बहुत अच्छी है ये ले लो ये अच्छी है ठीक है इसमें और कलर यही कलर अच्छा दिख रहा है ये हैवी नहीं तेरे पास पिंक में तो तुम्हें भरमार कर ये वो लेगी नहीं उसको ये पसंद नहीं है यही वाला कलर अच्छा लग रहा है यही कलर पहना कलर अच्छा बहुत अच्छा यही लेते ये ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा कम है ब्लैक एंड व्हाइट ही तो सब ये कलर ज्यादा अच्छा दिख रहा है क्या हुआ नहीं तुम बैठ जाओ थक गए और मॉडलिंग करो नहीं वो ज्यादा अच्छी इसका फिटिंग बैड नहीं रहा सुन जो इससे पहले अभी तूने चेंज वो और जो उसके पहले सेट लिया था वो दोनों सही है तेरा वो हो गया उसको फाइनल कर दे की जो आगे बंदी है ना थोड़ा सा पीछे मतलब अगर मैं वैसे करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा बट वो अच्छा लग रहा है जो वो आगे जो बनी है ना थोड़ी बैक पे आएगी स्टाइल है ना उसका अच्छा दिख रहा है अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा अभी एक दूसरा वाला भी ट्राई कर लो तब दोनों में से कौन सा अच्छा मम्मी ने एक ये वाली चीज मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है ये इतना सारा ऐसा आपको लग रहा है देखने से वो नहीं लग रहा और ये हाय हाय जो स्टाइल है ना उसका अच्छा लग रहा है इसमें ये कलर है दूसरा कलर है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ब्लैक है और कौन सा मैंने देखा था ये वाला इसमें कलर कौन सा पहना ग्रीन वाला ग्रीन ग्रीन वो कलर का टाइम पर यहां पे इसको ये मुझे पहनने के बाद मान लो अंदर कुछ पहन के
ठीक लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल ड्रेस पहना हो ये सही लगेगी, उसके साथ नजर आएगा ना नीचे। एक ये पर ये पहन के देख लो सकते हैं। अभी भी है। कुछ मंजिलें बाकी हैं। एक सोडा बना दो। ये हम रात दिल्ली में कितना पीते थे ना। हम कंटेंट है उधर। शॉपिंग करी हमने, इतनी सारी शॉपिंग करी और देखा और उसके बाद बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं, बस अब भोजन कुछ चाहिए, जल्दी से कुछ खाएं। तो ऑर्डर दिया है हमने, सब कर लेगी ना, मैं कर लूँगी अगर मेरे घर में, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हे भगवान, 4 किलोमीटर पास आप तो फ्रेंड्स, हम लोग उस जगह पे आए जहाँ पे कुल्लड़ पिज्ज़ा जो मिलता है यहाँ का, जलंधर का फेमस है, तो वो यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको दिखाती हूँ शॉप। तो फ्रेंड्स, अब हम बिल्कुल थक हार चुके हैं, शॉपिंग हो गई है बट पैर की बैंड बच चुकी है, और अब बस हम सोच रहे यार जल्दी से घर पहुँचे और थोड़ी सी अपनी टांगों को रेस्ट दें, और मैं वहाँ चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। बहुत सारी शॉपिंग, छोटी छोटी तो बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, तो चलो मिलती हूँ घर जाके थोड़े रेस्ट करने के बाद। ये जो पेडलर है ना,